इस वक्त सिमरन को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि उसके डिसीजंस में किसी तरह की दखल अंदाजी। मैं ही थोड़ी देर के लिए खुदगर्ज हो गया था। आई एम सॉरी बेटा। मैं चाहता हूँ बहू का विश्वास दोबारा से तुम पर बने। बच्ची से तुम चाहो तो मिल सकते हो। भाई इधर काहे को सो रही है? अरे क्यों वाह, अभी समझी कैसे सोएगी मेरी बाई इस चादर में? इसमें वो दूसरे औरत का बास आ रहा होगा ना। इसको फेंक देती है मैंने ही तो। इसको देख के बाई वैसी बहुत दुखी होती रहेगी। अरे गणपति बापा, ये औरत का दुश्मन औरत कुछ काय को बनाया तूने? बाई बाई ये क्या कर रही है तू? क्या ये चादर काय को फाड़ी? वो चादर मैली हो गई थी इसलिए। भाई मेरे को मालूम है तुम काय बोल रही है, मेरे को सब समझ में आ रहा है। तुमको सच्ची बोलती हूँ देवा शपथ, मैंने पर अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत मैली चादर फाड़ी है, बहुत गुस्सा किया है मैंने, लेकिन कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे मेरे को पता चला किसी को कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ता है। मैं ही चुनौती रहती और मैं ही गुस्सा करती रहती हूँ। धीरे धीरे काय होता है मालूम है, हम औरतें ना यही मैली चादर को अपना नसीब मान लेते हैं। जब ये मैली चादर मेरा नसीब नहीं बन सकता। हेलो मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, आपको हम दो दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फोन ही नहीं उठाता है। देखिए अभिमन्यु है नहीं, आई मीन वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। देखिए आप हमें साफ साफ बता दीजिए, आप हमारा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सर देखिए हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन अर्जेंट काम आ जाते हैं, हम आपके साथ कल मीटिंग कर लेते हैं। मिस्टर सक्सेना का क्या भरोसा, जब वो यहाँ है ही नहीं तो कल मीटिंग में कैसे आएंगे? सर आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू नाउ। हेलो अभिमन्यु, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तुमको मैंने मना किया था ना यहाँ पे फोन करने के लिए, फिर क्यों फोन किया तुमने? क्योंकि क्लाइंट मुझे फोन करके नाराज होते हैं, तुम्हारे लिए मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन वॉच कंपनी के साथ मुझे कल की मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रोजेक्ट ही हाथ से चला जाएगा। कैंसिल द मीटिंग देन। अभिमन्यु व्हाट इज दिस, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो तो छोड़ दो फिर। अभी हैव यू बीन ड्रिंकिंग? लेकिन अब नहीं पीऊंगा मैं किरण, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बस मैं चला जाना चाहता हूँ यहाँ से। कहाँ? पता नहीं, लेकिन किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे पहचाने नहीं, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, कोई सवाल ना पूछे। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती। मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ चुकी हैं किरण। ये ट्रॉफी किधर रखने का? बैग में। ये सारा सामान बैग में रखूं? स्टूडियो का सामान जो है अलग बैग बनाना। पर मैं क्या बोलती है कि ये सब तुम काय को कर रही है, मुझे ये सब बाद में कर सकते हैं ना। अभी को इन चीजों की जरूरत है, पता नहीं खुद क्यों नहीं ले जाता। भाई मेरी बात सुनो, अभी तुम
देखो ये सब रहने दो, अभी तुम ना आलो मैं तब तक मस्त नाश्ता बनाती है, ये सब बाद में करेंगे ना, अभी नहाने का कुछ बोलने का नहीं और। हाँ चलो जल्दी। Where this color really suits you? नाम याद नहीं आ रहा है मुझे इस कलर का, बट गुड, वेरी गुड। और आपके ऊपर तो ये ये लो स्पेशल आइटम लड्डू। ये देखो मेथी के लड्डू, इलायची बुआ है ना उसने बोला था ये बनाने को, इसको खाने से बहुत ताकत आती है। ये लड्डू डिराई फ्रूट वाले, मैंने पेशली बनाए मालूम, इसमें इतना घी डाला है मैंने, ये लो खाओ इससे बहुत ताकत आएगी। घी? हाँ थैंक यू। क्यों क्या हो गया? नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी। अरे काय नहीं खाएगी भाई, अरे ऐसी हालत में ये सब खाने का फिर एकदम ताकत आती है। इतना सारा घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, यही तो प्रॉब्लम है ना। अरे भाई तुम लोग को समझ में नहीं आता है, अभी ये सब नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी, फिर जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, नहीं तो ये लो खाओ। अच्छा खाओ बोला ना मैंने, एकदम सॉलिड है, खा के देखो। ओके। भाई एक बात बोलूं तुमको, अभी ऐसे टाइम में ना खुश रहने का, आनी एक बात बोलूं, सांप को माफ कर दो ना, तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारा अभी नया परिवार बनाया ना उसके लिए। नहीं शोभना, अभी भाई सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, उनका ना एक औरत पे कभी पन दिल नहीं टिकता है, किसी भी मर्द का, हम लोग कुछ नहीं बदल सकते। देखो भाई मैं तुमको काय बोलती है, ये आदमी लोग लपड़ा करते है ना करने देने का, अपने को काय करने का है, धीरे धीरे ना सब सह लेने का। काय देखो अभी औरत लोग को रहने को एक छत चाहिए और सारे के लिए एक मर्द। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सहारा, शादी मैंने सहारे के लिए नहीं की है शर्मा, बस अब मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए, वो एक सच्चा रिश्ता रह गया मेरी जिंदगी में। और तुम यहाँ बैठे बैठे बातें मत बनाओ, जाओ बाकी बाकी पूरी करो। ठीक हाय। क्या बात है, कहाँ खोई रहती हो आजकल? कहीं नहीं। एनीवे कंग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? अब तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में क्या हो रहा है इसकी खबर भी तुम्हें मुझे देनी होगी। क्या हुआ मानस को? मानस को क्या होगा, उसकी गर्लफ्रेंड को हुआ है, सिमरन के यहाँ बेटी हुई है। तो मैं क्या करूँ? जो कुछ करना था वो तो मानस साहब ने कर दिया, तुम बस मुबारकबाद दे सकती हो। अश्विन अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। हे 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 डार्लिंग लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। माना तुम्हें पर्सनली बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बिजनेस का ख्याल करते हुए राइवल कैंप में क्या हो रहा है ऐसी खबर हमें रखनी चाहिए, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। देखो अभिमन्यु और सिमरन के बीच कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब वो क्या है इसका पता तुम्हें लगाना होगा। मुझे कौन बताएगा? इस मामले में तुम बहुत भोली हो, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिक्स नहीं समझती। देखो पहले किसी इंसान के वीकनेस को समझो, जानो और फिर उसे इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए। तुम पहले किरण को फोन करो और उससे सिमरन के बारे में सब कुछ पता लगाओ, आफ्टर ऑल शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकअप ऑफ योर मैरिज। मानस से मेरी सेपरेशन की वजह हम हैं अश्विन। हाँ लेकिन बात हम तक तब आई जब मानस ने आने दी।
और वो भी सिमरन की वजह से। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। He treated you like an ordinary housewife। जरा सोचो, उसने अगर तुम्हारा ख्याल रखा होता, तुम्हारी कदर की होती, तो क्या तुम उसे छोड़ते? तुम ठीक कहते हो। भाई सब सामान भर दिया। आता एक मिनट। ये कुछ पैसे लो, ये सारा सामान साहब के स्टूडियो में छोड़ दो। भाई साहब वो स्टूडियो में ही रह रहे हैं। हाँ मैं क्या बोलती है भाई, मुझे देखो हाँ, तुम थोड़ा तुम्हारा गुस्सा थूक दो ना, जाने दो ना, होती है ना गलती कभी कभी। मतलब देखो मेरे को क्या लगता है ना, साहब उधर सोच रहे होंगे कि उनसे गलती हो गई है, इधर आएंगे तुमसे माफी मांगेंगे यानी मग सब ठीक हो जाएगा। तुम उनको थोड़ा दूसरा चांस पॉइंट दो ना। ला तुम्हें सामान नहीं छोड़ना, मैं छोड़ ऐसे क्या करती हो, गुस्सा कहीं को करती है बाबा, इतना शे कितना गुस्सा करती है। पहले मेरे को लगता था कि इतना शांत है तुम, मतलब कुछ बोलती नहीं है, आता किसी और को सुनतीच नहीं है। सामान उठाओ जाओ, मुझे आराम करना। अभी ये टाइम पे कौन आ गया? सब आप सिमरन घर पे? हाँ कमरे में। मुझे पता चला वो डिस्चार्ज हो गई। हाँ साहब मैं सबको बता के आती हूँ। साहब तुम अंदर बैठो ना, मैं आती हूँ। साहब आए। उनको इधर भेजो, तुमको मिलने को आए वो। नहीं उन्हें सामान दे दो और कह दो यहाँ से चले जाए। अस काय करते भाई तू आता, वो इतना खुद चल के आए ना तुमको मिलने को। शगुना सब तर सो रही है। सो रही है या मुझसे नहीं मिलना चाहते? नहीं सब वो तो हाँ। सब ये बैग में तुम्हारा सामान है, मैं अभी स्टूडियो पहुंचाने वाली थी। तुम सिमरन प्लीज ऐसे दरवाजा मत बंद करो। सिमरन तुम क्यों नहीं मिलना चाहती मुझसे? सिमरन प्लीज प्लीज गिव मी वन मोर चांस सिमरन, हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे प्लीज। सिमरन मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहन किया है। सिमरन बहुत कुछ सहा है तुमने मेरे लिए, लेकिन सिमरन प्लीज डोंट फॉरगेट कि मैंने भी मैं लड़ा हूं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए। सिमरन कैसे भूल सकती हो तुम ये बात? और सिमरन जब हमने एक दूसरे के लिए सबको छोड़ दिया सिमरन, तो फिर आज हम लोग क्यों अलग हो रहे हैं एक दूसरे से? कम ऑन गॉड डैमन ओपन द डोर प्लीज।
सिमरन क्या करूं, मुझसे हो गई गलती यार। मैं जानता हूं तुम हर्ट फील कर रही हो सिमरन, बट सॉरी सिमरन, आई लव यू सिमरन। प्लीज दरवाजा खोलो सिमरन, सिमरन सिमरन प्लीज दरवाजा खोलो सिमरन, मैं वापस आऊंगा सिमरन, यू हियर दैट सिमरन? सिर्फ दरवाजा बंद करने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। Please open the door, Simran. Please. मैं वापस आऊंगा सिमरन। I'm telling you that मैं वापस आऊंगा. Just remember that, okay? Hello. Hi, Kiran. Urmila here. How are you? Oh, very well. क्या बात है, आज शूटिंग नहीं है? स्टूडियो नहीं गई? जी, वो शूटिंग पोस्टपोन हो गई है. क्यों? ऐसे ही, अभिमन्यु बहुत बिजी है. शूटिंग नहीं है और अभिमन्यु बिजी है? ओह या, अपनी बेटी के पास होगा, राइट? और फिर सिमरन को भी तो उसकी जरूरत है. नहीं, आपको पता नहीं क्या? अभिमन्यु और सिमरन के बीच कुछ टेंशन है. एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट अभिमन्यु इज नॉट स्टेइंग विद सिमरन. किरण, आई स्वेयर मैंने तुम्हारे अबॉर्शन के बारे में सिमरन से कुछ नहीं कहा. किसी और ने बताया होगा उसे. क्या पता किसने बताया, लेकिन अभिमन्यु की हालत ठीक नहीं. ही इज इन अ बैड स्टेट. वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते. बंद कर रखा है अपने आप को स्टूडियो में. मुझसे भी नहीं मिलना चाहते. Why are you feeling so bad? तुम्हारी क्या गलती है? ये शादी ही गलत थी. अब देखो ना, सिमरन की वजह से मुझे भी कितना सहना पड़ रहा है. पर तुमने अभिमन्यु को इस कंडीशन में अकेला क्यों छोड़ दिया? तो मैं क्या करूं? किरण, इस वक्त उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है. उसके पास जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो. देखो, इतना सोचो मत, मेरी बात मानो, उसके पास जाओ. मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी. ओके, बाय. अब देखते हैं सिमरन को. जैसी करनी वैसी करनी. अश्विन इज राइट. सिमरन, मैं वापस आऊंगा सिमरन, यू हियर दैट सिमरन? सिर्फ दरवाजा बंद करने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं. क्या हो गया तुमको सिमरन? तुम खुद एक डॉक्टर हो. मुझे लगता है माँ बनने के बाद तुम सब कुछ भूल गई हो. जब से घर पहुंची हो तुम्हारा बच्ची में ध्यान. अभी दरवाजा खोलो, अभी प्लीज.